इधर हेमंत सरकार की ओर से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने और ओबीसी को 27% आरक्षण के फैसले का जश्न लगातार जारी है। इस निर्णय को लेकर पाकुड़ में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां झामुमो विधायक दिनेश विलियम मरांडी के नेतृत्व में जोहार रैली निकाली गई। इस दौरान लोग ढोल नगाड़े के साथ इस जोहार रैली में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। रैली को संबोधित करते हुए विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति से मूल वासियों आदिवासियों को उनका हक मिलेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, 1932 का जो मांग था, उस खतियान रहित को लागू करने के लिए नागरिकता स्थानीय नीति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको इस कानून को पास कर दिए हैं, कैबिनेट में पास कर दिए हैं, जिसमें सभी विधायक लोग मांग किए थे कि 1932 का जो कानून है, नागरिकता कानून स्थानीयता पे लाने के लिए कैबिनेट में पास कर दिए हैं। बहुत जल्द सदन बुलाया जाएगा और इस कानून को पास किया जाएगा। उसका जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोगों का हित के लिए नहीं सोचे थे।